So good morning students, better let's continue with the revision from the chapter linear equation in two variables, right? Yesterday we were doing the MCQs on this chapter, so let's continue with that. I will be showing you some questions on your screen and then. So here are two MCQs on your screen, beta, please see. See, in linear equation in two variables, almost we have discussed all type of questions. ठीक है ना, छोटा चैप्टर है. अब हमने एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि इस इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, x इज इक्वल टू 3 जो है वो किसके पैरेलल होगा. ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, वन टाइप ऑफ मोर क्वेश्चन इज देयर इन विच यू हैव टू मेक द इक्वेशंस. ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे. पहले आप ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सुनो आप सारे. द इक्वेशन 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन इन टू वेरिएबल एज, लिखो सारे. कैसे लिखोगे इसको टू वेरिएबल्स में? वन मिनट दिव्या, आप नहीं बताओगे. फोर माइनस थ्री एक्स प्लस जीरो वाई. वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म. ठीक है, इट इज इन टू वेरिएबल. ठीक है, अब आपके पास आपने ऑप्शंस में देखना है, जिसके साथ माइनस थ्री एक्स लिखा हो, जीरो वाई प्लस फोर. सो द करेक्ट ऑप्शन सी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. जैसे उन्होंने क्या किया हुआ है, वन मिनट, सीक्वेंस में लिखा हुआ है. यस, हाँ जी बेटा. आज स्कूल में सी, जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले एक्स वाली टर्म प्लस जीरो वाई प्लस. ठीक है, तो आपने करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. Now see, the equation is given in two variable. पूछा उसके कितने solution होते हैं. So we know that equation in two variable has how many solutions? Infinitely many solutions. The graph of the equation x plus y is equal to 4. सुनो सुनो, लिखना कुछ नहीं है बेटा, सुनो. x plus y is equal to 4 हमारे पास एक equation है, इसका जो graph है, that options are intercepts x axis only, intercepts both the axis, intercepts y axis only, parallel to x axis. Both aayega, it will intersect both the axis. Why? Because jo jo hum likhenge, y is equal to 4 minus x, x ke jo value lete jaoge, x1 by 3, x2 by 2, x3 by 1, x4 by 0. Graph banaoge, aap dekhoge, that line is intersecting both the axes, x axis also and y axis also. ठीक है? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. मिल जाएगी, मिल जाएगी. जरूरी नहीं है ओएमआर शीट हो, मान लो जैसे सिंपल शीट भी हो सकती है जिससे आपने ऑप्शन लिखने होते हैं. ओएमआर किसने बोला आपको? ओएमआर बोल रहे थे अभी बेटा, मुझे नहीं पता. अगर ओएमआर शीट होगी तो रफ ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अभी आप स्कूल लेवल पे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लूड लगा के. वो हायर सीनियर जब बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें हमें केयरफुली करना होता है कि रिलैक्स, कुछ नहीं ऐसे होगा. आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो.
ऐसे अभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट टाइम एमसीक्यू है, इतना स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ ये कल कर लिया था डिस्कस क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। इक्वेशन इज गिवन, एक्स वाई की वैल्यूज गिवन है, आपने एम और के निकालना है। See this question. Listen, beta. The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day. 2 kg apples and 1 kg grapes ki cost kya hai? Rupees 160. Make an equation. Banao. Very easy. 2 kg apples and 1 kg grapes. The total cost is 160. You have to make an equation. 2x apples की cost लेंगे हम, x bananas की y, तो 2 kg apples है, cost of 1 kg apple is rupees x, so cost of 2 kg apples is equal to, similarly cost of 1 kg bananas is rupees y, ये क्या है cost, तो 2 किलो एप्पल्स 2x के हैं प्लस 1 केजी बनानास y के हैं इज इक्वल टू 160। अब आपने माइनस 160 बोला है तो आप ऑप्शन देखोगे कि इस तरह से है, अगर आपने ये देखा 2x प्लस y माइनस 160 इज इक्वल टू 0 और ऑप्शन ए है ये नहीं है, तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। बेटा जरूरी नहीं होता कि हमें हमेशा हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ये भी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है, 2x is equal to 160 minus y, ये भी करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह से लिखा है तो ये गलत है, y को इधर लेके जाओगे वही इक्वेशन बनती है ना जो आपने बनाई है, तो उसको मोल्ड करके कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, सी दिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। हाँ जी रेणुका बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा। मैम जब अभी हमने क्वेश्चन किया एप्पल का ग्रेप्स वाला, मैम उसमें हमने एप्पल 2x लिया और ग्रेप्स y लिया, मैम अगर हम चेक करें तो उनमें डिफरेंस, ये लो, अगर हम एप्पल्स को y ले ले और ग्रेप्स को x ले ले तो 2y plus x is 160। नो मैम, यहाँ पे इक्वेशन ये नहीं बनेगी कि 2x plus x is equal to 160। बेटा टू वेरिएबल्स में, एक मिनट क्वेश्चन कहाँ है रहा, ये देखो ना क्वेश्चन पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ 2 केजी एप्पल्स एंड 1 केजी ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। Now we have to represent the equation in two variables. तो जो दो चीजें दी हुई हैं, उनको अलग अलग वेरिएबल लेने हैं। सेम नहीं ले सकते आप, क्योंकि अभी आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करनी है। Is it clear, रेणुका? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Mute yourself. So, बेटा, listen. Taxi fare वाला क्वेश्चन याद है? The taxi fare in a city is as follows. The fare is rupees 8 for the rupees for the first kilometer. The fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y. अगर x और y पर्टिकुलर बता दिया है कि इसको इसको लेना है तो उसको ही लेना पड़ेगा। बोर्ड पे देखिए, जैसे बेटा उन्होंने बोला है डिस्टेंस को, हमने टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है x एंड टोटल फेयर, फेयर मींस जो हमने मनी दी, that is rupees y, total distance is x kilometer, condition is जैसे हम जाते हैं we book a cab, है ना, cab करते हैं,
तो क्या आपका टैरिफ क्या है कि सपोज मैंने 15 किलोमीटर के लिए जाना है, तो उनका है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज पे करने हैं, बाकी के जो बच गए किलोमीटर हैं उसके लिए मुझे 5 रुपीज पर किलोमीटर पे करना है। बताओ मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 15। एक्स कहां से आया? मैंने आपको टोटल डिस्टेंस बता दिया है, टोटल डिस्टेंस है 15। सोचो, ये तो बहुत सिंपल है, छोड़ दो इस इक्वेशन क्वेश्चन को। आपने जाना है 15 किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने दिए 8 रुपीज, बाकी कितने किलोमीटर बच गए? उसके लिए दिए आपने 5 रुपीज पर किलोमीटर, कितनी टोटल मनी दी? 14 5 + + 8 78। अब हमने यहाँ पर को टोटल मनी ऐसे फाइंड कर ली क्योंकि हमने अपना टोटल किलोमीटर एक अज्यूम कर लिया 15। यहाँ पर हमारा टोटल किलोमीटर क्या है? एक्स, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? लुक हियर, टोटल मनी इज पेड इज वाई, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने कितनी मनी दी? 8 प्लस टोटल डिस्टेंस क्या था? एक्स। उसमें से बेटा 1 किलोमीटर निकल गया, कितना बचा? ठीक है ना, मैंने 8 रुपए दिए 1 किलोमीटर के लिए, ये किलोमीटर है ये मनी। पहले किलोमीटर के लिए मैंने 8 रुपीज दिए, फिर जो बच गया किलोमीटर है उसके लिए मैंने कितनी मनी दी? 5। उसके लिए मैंने कितनी मनी दी? 5। ये बात समझ में आ गई? एंड व्हाट इज इट, इज इट्स इक्वल टू, यस, ये क्या है? ये कॉस्ट है। कितना मैंने दिया? 8 रुपए प्लस 5 रुपए पर जो बचा हुआ किलोमीटर था, दिस इज इक्वल टू, सो 8 + 5x - 5 इज इक्वल टू वाई, 5x + 3 इज इक्वल टू वाई, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी तरह से क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹10 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर द फेयर इज ₹7। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर डिस्टेंस को एक्स लिया है, फेयर को वाई लिया है, वहां उल्टा भी हो सकता है, फेयर एक्स डिस्टेंस वाई, अगर गिवन है फिर वही लेना पड़ेगा। मान लो ये उल्टा होता तो इक्वेशन क्या बनती? 8 + 5y = 5y + 3 = x, उल्टा हो जाता। आई होप आई एम क्लियर। एनी डाउट टू एनी वन बेटे? See this fourth question. Which line? Which? What is the equation of line parallel to y-axis? Can you raise your hand? Equation of the line. एक line है, which is parallel to y-axis. अब parallel to y-axis है. What is the answer? Equation पूछी है मैंने। देखो बेटा, ये लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस लिखा ना, हाँ जी। इसका मतलब ऑप्शन आपके पास, मैं ऑप्शन देती हूँ। वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, y is equal to x and x is equal to a. A is any number. What is the answer? Yes. आप क्या बोल रहे हो? y equal to 0 में equation क्या बनेगी? y 0 है. अगर y 0 है हमारा, ठीक है? नहीं, y 0 x क्या है? A any number. जैसे ये हमारा ग्राफ बना है ना, x is equal to a means x is any number, let's say x is 5, if x is equal to 5, अगर y 0, y का कोऑर्डिनेट 0 है, y is equal to 0 नहीं, मतलब ऐसे होगा
ये पॉइंट होगा, इसका मतलब x की कोई वैल्यू है, ठीक है, तो जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है वो क्या हो, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 3, जैसे आपको कल करवाया था x इज इक्वल टू 3, इसको हम टू वेरिएबल में करें, रिमेंबर y की जो मर्जी वैल्यूज ले लो, x की वैल्यू क्या आएगी 3, रिमेंबर दिस थिंग, y 0 1 2 3 x 3, y 1 x 3, y 2 x 3, y 3 x 3, y 4 x 3, x is equal to 3 line is parallel to y axis, yes or no? इसी तरह से what is the equation of the line parallel to y axis, that is x is equal to a where a is any real number, ठीक है, and what is the equation of the line parallel to x axis, y is equal to, आपने MCQs किए कल किसी ने आप में से, किस बुक में से, बुक फॉलो करो, बुक भी फॉलो करो, क्योंकि बुक बुक्स में मैं मैं एक अच्छा ये देखिए एवरीवन, बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर 8, कल भी किया था हमने ऐसा इक्वेशन, देयर इज एन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 0, 3, 3, 0, 2, 0, क्या बोला इन्होंने, कट्स द एक्स एक्सिस, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस, सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, x 0 पे y की वैल्यू क्या है, ये कर रही है, अरे x 0 पे y कितना आ रहा है, x 2, x 0 पे बेटा ये 0 हो गया, y is 6 by 3 2, तो ये नहीं सेटिस्फाई होता, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठीक है, 2 0, x 2 पे कैलकुलेशन तो ओरल होनी चाहिए, 2 2 4, 6 minus 4 2, तो 2 by 3, ये भी नहीं कर रहा, 0 2, x 0 पे y 2, x 3 पे y 0, ये भी कट रही, नाउ इक्वेशन इज, क्वेश्चन क्या है, दैट द ग्राफ शुड कट द एक्स एक्सिस, अगर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब x का पॉइंट होना चाहिए और y का नहीं, इसमें आपका x 0 है, तो ये पॉइंट नहीं हो सकता, दिस इज द आंसर, कल करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है, जो पॉइंट गिवन है पहले आपने देखना है कि उसमें से कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, ओरली प्रैक्टिस करोगे तो ओरल आंसर कर पाओगे, फिर जो पॉइंट्स रह गए हैं उसमें से आपने देखना है, ये देखो जो ये वाले हैं जिसमें x 0 है, उसको तो उसका उसके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो ना आप चेक करो, बच गए ये पॉइंट्स जिनमें एक्स की वैल्यू है, उसमें से देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर, बात समझ में आ गई, इक्वेशन पूछा है किस, अगर एक्स एक्सिस को कट करे तो एक्स की वैल्यूज वाले चूज कर लो, 3 0 एंड 2 0, जिसमें एक्स की वैल्यू 0 है वो तो हो ही नहीं सकता पॉइंट, ठीक है, उसके बाद इनमें से जो सेटिस्फाई करता दैट इज योर आंसर, y होता तो ये वाले ऑप्शंस में से हो सकता था, फिर देखो दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई करता है,
इस तरह से, ठीक है। हाँ जी लक्ष्य, अगर आंसर देने के लिए रेज हैंड किया बेटा तो लोअर कर लो, डाउट है तो भी करती हूँ अनम्यूट। How many linear equations in x and y can be satisfied by x1 and y2? अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है तो how many linear equations can be satisfied? दो बार बोला ना मैंने, x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 2 है, इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हुए आप कितनी इक्वेशंस बना सकते हो? बोलिए क्यों? x plus y करो, x minus y करो, 2x plus y करो, by taking two points how many equations can be satisfied? जितनी मर्जी बनाई जाओ, बनाई जितनी equations बनाएंगे उतनी सारी infinite answer, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दिस इज एन इक्वेशन, पता नहीं बेटा मैंने तो यही सब है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन? माइनस, देखो वाई जीरो है, वाई का कोफिशिएंट जीरो है, ये टर्म को हटा दो, क्या आया 2x plus 9 is equal to 0, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 9 बाय 2, ये बन गया हमारा लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू गिवन, x की वैल्यू गिवन है। अब y की वैल्यू हम जो मर्जी डालते जाएं, x की वैल्यू माइनस 9 बाय 2 ही आएगी, क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 है इसलिए हम y को, ये कुछ भी ले तो सकते हैं, ये देखो ये 9 by 2 comma m, अगर minus 9 by 2 comma m होता तो ये भी आंसर बन सकता था, क्योंकि y की वैल्यू हम जो मर्जी ले सकते हैं 0 1 2 3 4, लेकिन यहां माइनस नहीं है, x की जगह पे minus 9 by 2 ही होना चाहिए, यहां x minus 9 by 2 नहीं है वो कट गया, यहां x minus 9 by 2 नहीं है वो कट गया, क्योंकि यहां y दिखा रहा है, बस वे तो सिंपल था, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा इक्वेशन देखो, x की वैल्यू माइनस 9 बाय 2 आ रही है, किसी में x की वैल्यू 9 माइनस 9 बाय 2 नहीं है, सिर्फ इसमें, ठीक है जी। लिखो आप सारे बच्चे, 14 क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट ऑफ बुक, मैं लिखती हूँ, कॉस्ट ऑफ बुक जो एक्स वेरिएबल में लेना है एक्सीड्स ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मींस पेन की कॉस्ट को हमने लेना है बाय रुपीज 10, what will be the linear equation? एक मिनट, बताओ
बताओ वंशिका। हाँ जी ऑनलाइन एनीवन। हाँ जी लक्ष्य। मैम इक्वेशन एक्स ए एक्स माइनस टू वाई माइनस टेन इक्वल जीरो। कॉस्ट ऑफ बुक एक्स है, एक्स इज मतलब ये ज्यादा है, माइनस टू वाई, वाई टू एक्स मतलब कॉस्ट ऑफ बुक जो है वो कॉस्ट ऑफ पेन से एक्सीड करती है। x माइनस टू वाई इज इक्वल टू टेन या फिर x माइनस टू वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। फाइल क्लियर होगी बात? ऐसे ही अब ज्यादा आई, ये ज्यादा है ना, आई हैव आई एक्सीड इन एज डैश बाई यू, तो मेरा पहले आएगा कितना वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक्सीड मतलब यू योर ब्रदर एक्स इज हैविंग 500 रुपीज, ही इज एक्सीडिंग रुपीज 500 देन वंशिका, राघव इज एक्सीडिंग रुपीज 500 देन वंशिका, मींस उसके पास, राघव के पास जितनी मनी है उस माइनस आपके पास जितनी मनी है, ठीक है। ओके See this question number 15 beta. ठीक है देखो, एज ऑफ फादर रिप्रेजेंट होती है एक्स के साथ, एज ऑफ सन रिप्रेजेंट होती है वाई के साथ, ठीक है। आपने इक्वेशन बनानी है प्रेजेंट, सोचना है आंसर नहीं देना एकदम से, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 मोर देन 6 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ सन। इक्वेशन बनाओ, इसमें क्या होता है, आपने फादर की एज को एक्स लेना है और सन की एज को वाई, आप उल्टा नहीं ले सकते। ऑनलाइन क्लासेस लगाते थे, क्या नाम है लक्ष्य, सारी क्लासेस लगाई है, रियांशी आप दो आंसर, आपका नाम है, आपका दीपांशी, ओके दीपांशी बताओ, पता ये ए सेवेंथ में एट में करते थे आप इक्वेशन, और बहुत इजी है, जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे इक्वेशन बनाते जाओ दीपांशी, आप तो इतने अच्छे बच्चे हो। यस दीपांशी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है, एक्स इज इक्वल टू 5 मोर मींस प्लस 6 टाइम्स एज ऑफ सन मींस, ये लो सीधा सीधा जो लिखा था वो उससे मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, एक्स इज 5 मोर देन में प्लस 6 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, क्या है एज ऑफ सन इज वाई। इसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस, जैसे आपको सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, बस इक्वेशन वाले क्वेश्चन ऐसे, अब इक्वेशन कोई भी आ सकती है, तो आप अपने लेवल पे जब प्रैक्टिस करोगे तो इक्वेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे स्टेटमेंट आई। अब ऐसे ही पेपर अगर एमसीक्यू नहीं होता तो सिंपल आता क्वेश्चन ऐसा ही, मेक द इक्वेशन एंड देन मेक द ग्राफ, तो जब इक्वेशन मिल गई फिर तो ग्राफ बनाना सो इजी है, वाई की वैल्यू डालते जाओ एक्स की वैल्यू आती जाएगी ग्राफ बन। यहाँ क्या है, सोच कर इक्वेशन बनाने का वन नंबर है, ठीक है।
equation of the line passing through origin. ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा. इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, किसने बोला कैसे? देखो बेटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है ना. अगर मैं y को जीरो लेती हूँ, जीरो वन लेती हूँ, ये लो y x, y वन पे x माइनस वन, y टू पे माइनस टू, y थ्री पे माइनस थ्री. देखो जीरो पे जीरो, y जीरो पे x जीरो, y जीरो पे जीरो, x वन पे y माइनस, सॉरी y1 पे x कितना है? माइनस वन, ये रहा पॉइंट. y x y2 पे x माइनस टू, y3 पे x माइनस थ्री, ये ओरिजिन से पास. तो ये आप लर्न कर लो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू जीरो. सारी इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखना तो मुश्किल है, तो अगर प्रैक्टिस की होगी एमसीक्यू की तो आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑल राइट बेटा, सी यू टुमारो, फाइन, टेक केयर.